Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास फोर्थ साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चंस पेपर एंड उसके सॉल्यूशन लेकर आई हूँ. अगर आप क्लास फोर्थ में साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. ये यूनिफाइड ओलंपियाड के क्वेश्चंस पेपर है जिसमें साइंस के साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें करीब 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एंड 25 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, द क्यूब इन द गिवन वाज कट एंड सेपरेटेड इनटू थ्री पीसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड बी द थ्री पीसेस ऑफ क्यूब. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कुड बी द थ्री पीसेज ऑफ द क्यूब व्हेन इट इज सेपरेटेड इनटू थ्री पीसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इफ इट्स लेंथ इज थ्री टाइम्स इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो रहा है 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो लेंथ इंटू थ्री ब्रेथ हो जाएगा. तो ब्रेथ इंटू लेंथ इसका क्या हो गया, ये ब्रेथ हो गया 40 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू हो जाएगा थ्री टाइम्स ब्रेथ के बराबर है. तो लेंथ इंटू थ्री, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा थ्री इंटू ब्रेथ, थ्री इंटू 40 यानी कि ये हो गया 120 मीटर. ये भी 40 मीटर हो गए. अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरीमीटर बराबर होता है, इधर हम लिख लेते हैं, पैरीमीटर बराबर होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया यहाँ पर 2, लेंथ हो गया हमारा 1, लेंथ हो गया 40 और ब्रेथ हो गया 120. तो ये हो गया 2 इंटू 40 प्लस 120 इक्वल टू हो गया 160 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 160 से तो 16 × 32 यानी 320 मीटर. आंसर हो गया 320 मीटर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज ए फेस इन द स्पेस ऑफ अ स्क्वायर. ओनली स्पेस जेड हैज ए स्क्वायर शेप फेस. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा Only shape Z. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिमेट्रिकल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन. ए एम यू एम, बी डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, सी डी ए डी एंड डी टी ओ टी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैड. द वर्ड डैड गिवेन द ऑप्शन सी इज नॉट सिमेट्रिकल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सम स्टूडेंट इन द मार्क्स टेस्ट मैथ टेस्ट. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए स्टूडेंट स्कोर लेस देन 70 मार्क्स. यहाँ पर हम देख लेंगे टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हो जाते हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाते हैं 120 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 180 इक्वल टू 500. यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 120 प्लस 120 ये हमारा 120, फिर ये भी 120 हो रहा है और ये हो रहा है 80 और ये हो रहा है अपना 180. ठीक है,
तो इसे हमको फ्लश करना है। तो फ्लश करने के लिए टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का कितने हो गए, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हो गए 120 प्लस 80 प्लस ये हो गया आपके 180, तो इक्वल टू हमारा हो गया 500। 500 हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज स्कोर लेस देन 70 मार्क्स, तो 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 140 हो जाएगा। ठीक है, 120 प्लस 120 इक्वल टू हो गया 240। देन नंबर्स ये हो गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया आपका 240 प्लस डिवाइडेड बाय 500। तो 500 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कट गया, तो 24 डिवाइडेड बाय 50। 24 डिवाइडेड बाय 50 को अगर हम रिक्वायर्ड करते हैं तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। इसको हम 12 दूनी 24 और 25 इंटू 50, तो ये फ्रैक्शन हो गया 12 डिवाइडेड बाय 25। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में आपका जनरल साइंस स्टार्ट हो जाते हैं। जनरल साइंस के हिसाब से अब क्वेश्चंस देखेंगे। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। प्लांट्स हैबिटेट हो गया हेटरोटाइप्स मेसोटाइप्स, तो ऑप्शन है नेक्स्ट थर्ड वाला प्लांट्स हैबिटेट क्या होगा, ए सेप्रोटाइप्स, बी जैक्सोटाइप्स, सी थॉलोटाइप्स या डी बायरोटाइप्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेरो टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन टू फिगर शो हियर। ये सोलर एनर्जी फोटोसाइंथेसिस की ये प्रक्रिया ये सोलर एनर्जी है और ये लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है ये हमें बताना है। द फॉलोइंग एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन द गिवन फिगर है, एनर्जी चेंज हो रही है किससे किस में। सो ये हो गया सोलर एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई और ये यहाँ से लाइट एनर्जी निकल रही है, बल्ब जल रही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। द डिजीज गायोटा इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड शुड बी कंज्यूम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ गायोटा, ए राइस, बी ऑरेंज, सी फीस और डी कैरोट। सो फीस इज रिच इन आयोडीन, आयोडीन प्रिवेंट द रिस्क ऑफ गायोटा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच प्लांट्स हो विच प्लांट्स हो पुशिंग फोर्स, ए बी सी एंड डी। फिगर इन ऑप्टेंड बी शो इन पुशिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अभी
was asked to level the following diagram showing the process of photosynthesis. He levels some parts of incorrectly. Which following show the incorrectly leveling? So correct answer है option oxygen is given out of leaf during photosynthesis. Carbon dioxide is taken in and glucose is made in leaves and transport the other part of plants. The arrow marks should be pointed away from leaf and not towards the leaf. So correct answer हो जाएगा option C. Next question number 11. The number from 1 to 7 were laid out of order to make an expression. Which option represent the correct placement of 5 plus operation card? 1P, 2Q, 3R, 4S, 5T, 6U and 7 is equal to 55. ये क्वेश्चन जो है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग से आ जाता है. तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? पी क्यू एस टी यू. पी क्यू एस टी यू कौन से ऐसे फाइव ऑपरेशंस है जिसमें ये टोटल 55 हो रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Read the clue given. My uncle and aunt have different job. One is a driver and one other work in an office. My parents or aunt has never driven a car. My dad and uncle share automobile business. What is my uncle's occupation? So करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. हाउ वुड इज फोर्थ ड्राइंग लुक लाइक? फोर्थ ड्राइंग लुक लाइक क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ड्राइंग लुक लाइक इज ऑप्शन देखिए. इसमें ये ट्रायंगल, फिर सर्कल, ये बाहर हो गया, फिर इसी प्रकार ये अंदर है. यानी सबसे अंदर राउंड शेप जो है बाहर हो गया और फिर ट्रायंगल शेप जो है अंदर, सॉरी ये स्क्वायर शेप अंदर हो जा रहा है. इसको घुमाकर इसी प्रकार ये शेप भी जो है बाहर वाला शेप स्क्वायर है वो बाहर हो जाएगा. उसके नेक्स्ट 1, 2, 3 शेप्स अंदर चले जाएंगे. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन वाटर टैंक द सॉलिड बोर्ड वाज द प्लेस इन द मेटल एंड वाटर वाज पोर इनटू टू साइड्स. इफ द बोर्ड इज टेकन आउट व्हाट वुड बी हाइट ऑफ वाटर बी इन सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. अ बी वांट टू मूव फ्रॉम ए टू 7. ईच टाइम बी मूव्स इट कैन ओनली मूव्स एडजस्टेंटली टू ग्रेटर नंबर. हाउ मेनी वे आर देयर फॉर द बी ऑफ मूव टू 7. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें बताएं कि आपने सही सॉल्व किया या गलत. फिर मैं आपको कमेंट्स में इसके सॉल्व करके मैं बताऊंगी. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको एक आइडिया मिल गया हो कि क्लास फोर्थ में साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थैंक यू. गुड बाय. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें.